तो इसे निजीकरण की ओर क्यों बढ़ रही है सरकार, क्यों निजीकरण करना चाह रही है? आप जो हमको पूछ रहा है वही तो हम सरकार को पूछ रहा है जी। व्हाट इज द रीजन, जिस दिन से FSNL बना हुआ है फ्रॉम दैट डे FSNL प्रॉफिटेबल कंसर्न है, अभी तक प्रॉफिटेबल कंसर्न है। और फेरोस्क्रैप ये काम करते हैं बोल के स्टील प्लांट का जो स्टील होता है उसका क्वालिटी मेंटेन होता है, आखिर ये प्राइवेट में चला जाएगा तो वो क्या करेगा? वो तो चोरी करेगा, ये तो क्वालिटी मेंटेन नहीं करेगा। और क्वालिटी मेंटेन नहीं करेगा तो उसका नतीजा क्या होगा? आप लोग सुन चुके हैं बहुत सारे ब्रिज, चाहे गुजरात में हो, चाहे बिहार में हो, चाहे और दूसरी जगह पर हो, बनाने के बाद भी गिर जाता है। अगर हमारी मांगे नहीं पूरी होती हैं तो पूरे देश भर का जो फेरोस्क्रैप यूनियंस हैं, चाहे वो दुर्गापुर हो, बनपुर हो, बोकारो हो, राउरकेला हो, विशाखापट्टनम हो, भिलाई हो, सारी यूनियन एक साथ एक दिन अनिश्चितकालीन हम लोग हड़ताल पे जाएंगे। आज सभी वर्कर अपना झंडा छोड़ के, अपना कोई भी यूनियन का हो छोड़ के, आज पहाड़ी चट्टान के तरह हम लोग खड़े हैं। अगर कोई डिसमिनिस्टन हुआ, अगर कोई पार्टी खो गया तो हम लोग के लाश के ऊपर से जाना पड़ेगा, ये हम लोग का कमिटमेंट है, ये हमारा चीफ मिनिस्टर का कमिटमेंट है, ये साहस है। तो हम लोग बोलते हैं ये पूरा देश का जो नुकसान होगा इसको पहले रुकना है, और ये रुकने के लिए हमारा देश के पूरा जनता को आगे आना है, और ये जनता को आगे ले आने के लिए हम सभी लोग FSNL के जितना सारे यूनियन वाले लोग हैं इकट्ठे हुए हैं। FSNL फेरोस्क्रैप निगम लिमिटेड, ये क्या काम करती है, किस प्रकार से काम करती है और इसकी चर्चा आज हम क्यों कर रहे हैं, ये जानने के लिए हम FSNL के भिलाई ब्रांच में मौजूद हैं, जहाँ पर पूरे देश भर के FSNL के जो यूनियन वाले हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं, क्योंकि जो केंद्र सरकार है जिसका ये एक हिस्सा है, जिसका ये एक अंग है, वो इसे निजीकरण करने की ओर बढ़ रहा है। और पिछले दो सालों से, दो ढाई सालों से इस बात को लेकर लड़ाई चल रही है। एक साल पहले हमने आपको खबर भी दिखाई थी, इसी भवन के ठीक सामने जो FSNL के कर्मचारी हैं उन्होंने धरना प्रदर्शन किया था, हड़ताल किया था कि इसे निजीकरण के हवाले ना किया जाए। अब क्या कुछ पूरा मामला है, बात करते हैं। और सर, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे FSNL ये काम क्या करती है, क्योंकि आम जनता जो इसके बारे में नहीं जानती है वो जान सके कि FSNL किस प्रकार से वर्क। वो तो स्क्रैप प्रोसेसिंग करते हैं, प्रोसेसिंग करके हम लोग का जितना स्टील प्लांट का यूनिट है सेल का, वहाँ पर और स्क्रैप का योगदान देते हैं। दिस इज द मेन काम फेरोस्क्रैप निगम का है। तो इसे निजीकरण की ओर क्यों बढ़ रही है सरकार, क्यों निजीकरण करना चाह रही है? आप जो हमको पूछ रहा है वही तो हम सरकार को पूछ रहा है जी। व्हाट इज द रीजन, जिस दिन से FSNL बना हुआ है फ्रॉम दैट डे FSNL प्रॉफिटेबल कंसर्न है, अभी तक प्रॉफिटेबल कंसर्न है। और जितना ये जो स्टील प्लांट है सेल का, वहाँ पर स्क्रैप को प्रोसेसिंग करके वो जोगान देते हैं, ठीक है। ये जो प्रोडक्शन होता है, ये प्रोडक्शन का पीछे FSNL ऑल्सो पार्ट एंड पार्सल का भूमिका लेते हैं, और प्रॉफिटेबल कंसर्न भी है। बहुत सारे आदमी लोग वहाँ पर काम करते हैं, कॉन्ट्रैक्टर वर्कर एंड परमानेंट वर्कर मिलके प्राय नियर अबाउट 7-8 हज़ार आदमी है वहाँ पर काम करते हैं। तो वो लोग का तो बात हम लोग को सोचना होगा। तो हम लोग इसीलिए बोला ये भाई वो नहीं चलेगा, वो जो लोग को बोला था सेल करने के लिए वो लोग को देखने भेजा था। हम लोग उसमें INDT यूनियन, हम लोग वहाँ पर दुर्गापुर स्टील में उसको ऑब्स्ट्रक्शन किया, उसको गेट में घुसने नहीं दिया, उसको देखने नहीं दिया। हम लोग बोला ये नहीं, पब्लिक सेक्टर यूनिट को अब लोग किसी को सेल कर देंगे वो हम लोग नहीं चाहते हैं, हम लोग नहीं होने देंगे। और आज भी हमको आपको हम बोल देते हैं, सपा सभी बात बोल देते हैं, ये हमारा जो यहाँ का जो चीफ कमिश्नर है, लेबर कमिश्नर, उन्होंने डिप्टी चीफ माने लेबर कमिश्नर, तो उन्होंने बात दिए हैं, उन्होंने कंसल्टेशन भी कर रहा है, कुछ कुछ डिमांड भी वो हम लोग को माने हैं, और फिर बात होगा सेकंड हाफ में, फिर बात होगा। बाद में बोला है, हम लोग डिमांड किया ये CMD अगर आ जाने का बात था, मगर CMD नहीं आया, तो CMD अगर नहीं आया तो कंडीशन लेगा, CMD इज द अथॉरिटी, तो इसीलिए हम लोग बोला CMD को आपको ले आने होगा। तो उन्होंने बोला जे आफ्टर वो जो विश्वकर्मा पूजो
जो होता है 17 सितंबर, उसका बाद सीएमडी को लेके यहाँ पर मीटिंग होगा, नहीं तो कलकत्ता में मीटिंग होगा जहाँ पर उसका ऑफिस है। हाँ, अब वहाँ पर मीटिंग करके हम लोग डी इन्वेस्टमेंट का कैसा क्या सिचुएशन है, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ द डी इन्वेस्टमेंट एंड ऑफ एफएसएनएल, वो भी हम लोग आप लोग को बतलाएंगे। और आप लोग भी थोड़ा कोशिश कीजिए ये डी इन्वेस्टमेंट ना हो। अपना परिचय देंगे सर। हमारा नाम पवन चैटर्जी है, आई एम द प्रेसिडेंट ऑफ द फेस्ट निगम पार्मेंट एम्प्लॉज यूनियन एंड आई एम ऑल्सो स्टेट लीडर। सर, एफएसएनएल को लेकर एक साल पहले भी धरने दिए गए थे, हड़ताल हुए थे, और उसके बाद आप लोग ने फिर 31 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल का एक ऐलान दिया था, चिट्ठी दिया था, जिसको रोक कर 5 तारीख कर दिया गया था, जिसके लिए आज मीटिंग रखी गई है। क्या कुछ मीटिंग में तय हुआ और ऐसी नौबत क्यों आ रही है कि हड़ताल ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही है? देखिए, एक समय बहुत जोरों से फेरोस्क्रैप का डिसइन्वेस्टमेंट का चला था, जिसको कि प्रधानमंत्री के कार्यालय से जब उसमें इंटरवीन किया गया तो उस समय रुक गया, लेकिन 2021 के बाद से फिर से जो केंद्र की सरकार है वो उसे बेचने के उतारू है। हम लोग की मांग थी कि ये डिसइन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए, पहली बात, और दूसरी बात यह है कि अगर डिसइन्वेस्टमेंट करने की स्थिति आ रही है और हमारा प्रबंधन यहाँ चुप बैठा है या हमारे यूनियन को उसको अंधेरे में रखा जा रहा है, वो बहुत बड़ा विरोध का कारण है। अगर कोई भी स्थिति बन रही है तो प्रबंध निदेशक जो हमारे फेरोस्क्रैप के हैं, जो एमएसटीसी के चेयरमैन भी हैं, जो कोलकाता बैठते हैं, उनको यहाँ पे आकर यहाँ के यूनियन के जितने भी प्लांट के जो भी अध्यक्ष या महासचिव या उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं उनसे साझा करना चाहिए। और हम लोग नोटिस देकर आज स्ट्राइक के लिए बैठे हुए थे तो यहाँ से जो ALC के द्वारा रोका गया और ये बैठक बुलाई गई जिसमें कि फेरोस्क्रैप के मैनेजिंग डायरेक्टर को आना था, पर वो नहीं आए। पर डिप्टी CLC जो खुद यहाँ पे मौजूद हैं, उन्होंने रोकने के लिए अनुरोध किया और फेरोस्क्रैप की यहाँ की जो प्रबंधन है उन्होंने भी कहा कि फिलहाल हम लोग बातचीत का रास्ता खुला रखते हैं और सारी मांगों को सकारात्मक ढंग से पूरा किया जाएगा। अगर हमारी मांगें नहीं पूरी होती हैं तो पूरे देश भर का जो फेरोस्क्रैप यूनियंस हैं, चाहे वो दुर्गापुर हो, बनपुर हो, बोकारो हो, राउरकेला हो, विशाखापट्टनम हो, भिलाई हो, सारी यूनियन एक साथ एक दिन अनिश्चितकालीन हम लोग हड़ताल पर जाएंगे। मैं अरुण सिंह सिसोदिया, फेरोस्क्रैप यूनियन प्रेसिडेंट। सर, फेरोस्क्रैप कंपनी का, निगम लिमिटेड का अगर निजीकरण हो जाता है तो उससे कितना नुकसान होगा प्लांट्स को और जो वर्कर यहाँ काम कर रहे हैं उनको कितना नुकसान होगा? मेरा नाम हरधन साय है और मैं FSNL एम्प्लॉयज यूनियन दुर्गापुर यूनिट के जनरल सेक्रेटरी हूँ और दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में है। आपको तो पूरा कुछ जानकारी भी मिल चुके हैं। फेरोस्क्रैप जो काम करते हैं वो स्टील प्लांट का जो रॉ मटेरियल है, जहाँ से स्टील उत्पादित होता है वहाँ इसको ज़रूरत पड़ता है। और फेरोस्क्रैप ये काम करते हैं बोल के स्टील प्लांट का जो स्टील होता है उसका क्वालिटी मेंटेन होता है। अगर ये प्राइवेट में चला जाएगा तो वो क्या करेगा? वो तो चोरी करेगा, वो ये तो क्वालिटी मेंटेन नहीं करेगा। और क्वालिटी मेंटेन नहीं करेगा तो उसका नतीजा क्या होगा? आप लोग सुन चुके हैं बहुत सारे ब्रिज, चाहे गुजरात में हो, चाहे बिहार में हो, चाहे और दूसरी जगह पर हो, बनाने के बाद भी गिर जाता है वो लो क्वालिटी के लिए। आखिर स्टील आखिर लो क्वालिटी का हो जाएगा? आखिर सोचिए, पूरा सेल प्लान में जो प्रोडक्ट होता है वो लो क्वालिटी का हो गया, उसको क्वालिटी मेंटेन नहीं हुआ। RINL के क्वालिटी मेंटेन नहीं हुआ ये रॉ मटेरियल के चलते। तो क्या होगा हमारा देश में? कोई कंस्ट्रक्शन उसका कोई प्रोग्रेस होगा? उसका आगे बढ़ेगा? ये पूरा देश का नुकसान हो जाएगा। तो हम लोग बोलते हैं ये पूरा देश का जो नुकसान होगा इसको पहले रुकना है, और ये रुकने के लिए हमारा देश के पूरा जनता को आगे आना है, और ये जनता को आगे ले आने के लिए हम सभी लोग FSNL के जितना सारे यूनियन वाले लोग हैं इकट्ठे हुए हैं और हम लोग ये हड़ताल का नोटिस ऐलान किया है। और हम लोग बोले हैं हर जगह अपना अपना स्टेट का चीफ मिनिस्टर को भी लेटर देना है। हम जैसे हमारा स्टेट में जो चीफ मिनिस्टर है उसको हम लोग लेटर दे चुका है। वहाँ हम लोग ये बोला है कि आपको जो पहले वाला चीफ मिनिस्टर था वेस्ट बंगाल में बुद्धदेव भट्टाचार्य, उन्होंने केंद्रीय सरकार को चिट्ठी दिया था, तो आप भी उसी ढंग से एक DO लेटर केंद्रीय सरकार को दीजिए। ये रिक्वेस्ट हम लोग पश्चिम बंगाल को CM को ऑलरेडी कर चुके हैं। तो हम लोग आशा करते हैं जितना सारे CM है वो लोग जरूर सेंट्रल गवर्नमेंट को ऐसा चिट्ठी भेजेंगे और ये जरूर अंत करेंगे, ये डिसइन्वेस्टमेंट का खिलाफ में सब कोई आगे आएंगे। इतना ही मेरा बात है।
जी, और भी साथी हमारे साथ मौजूद हैं FSNL के जो प्रतिनिधि हैं जो अलग अलग जगह से आए हुए हैं। सर, FSNL के निजीकरण की 2-2.5 सालों से बात चल रही है, अभी तक प्रोसेस कहां तक पहुंचा है, आप लोगों को कितनी जानकारी है कि क्या कुछ इसमें प्रोसेस हो चुका है और इसको रोकने के लिए आगे क्या कदम उठाएंगे? देखिए, मैं रंजीत शर्मा दुर्गापुर से बोल रहा हूं। कहने का हमारा सब सीनियर लीडर बोल दिए, एक ही शब्द चल रहा है कि प्राइवेटाइजेशन, डिसइन्वेस्टमेंट। हमारा कहना ये तो आप लोग तक आ गया, हमारा कहना ये है कि इसमें सबसे बड़ा जो रोल है ये हमारा मैनेजमेंट का ही है, हमारा मैनेजमेंट इन द सेंस हमारा CMD, क्योंकि ये प्राइवेटाइजेशन जब हो रहा है इनके फेवर में उन्हीं से बात हो रहा है, और हम लोग वर्कर को ये लोग गुमराह कर रहे हैं कि हमारा डिसइन्वेस्टमेंट हो रहा है और हमारा ही सब हो रहा है और हम ही लोगों को पता नहीं है। विदाउट यूनियन, विदाउट डिस्कशन, विदाउट वर्कर आप इसको सेल को मिनिस्ट्री के साथ बात कर रहे हो। हमारा वो MSTC होल्डिंग कंपनी है, तो किसी आदमी का 2 हाथ है तो हमारा MSTC को पहले डिसइन्वेस्टमेंट में डालो और उसके साथ में FSNL करो, क्योंकि आप तो होल्डिंग कंपनी हो। हमारा जितना जो बेनिफिट है पैसा आप ले जा रहे हो, तो आप FSNL का हाथ काट रहे हो अपने बचाने के लिए, अपना हमारा यहाँ का प्रॉफिट ले जाके MSTC में डाल रहे हो ताकि MSTC बच जाए और फिर उस सबके बेच दो। आज जैसे हम लोगों ने स्ट्राइक का, आज हम लोगों का ऐसा कंडीशन हो गया, हमारे यहाँ हर यूनिट में मैक्सिमम 15-16-20 वर्कर है, बाकी सब इसमें चल रहा है। इसके बावजूद टिल 1979 में सिर्फ 32 करोड़ रुपया गवर्नमेंट दे के उस समय दिया, उसके बाद से आज तक हजारों करोड़ रुपया हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट को डिविडेंड दे दिए। इसके बावजूद इसके पीछे किसी भी तरह इस तरफ लोहा माफिया को बेचने के लिए ये गवर्नमेंट उतर के लगा हुआ है, ये नहीं देख रहा है कि भैया इन लोगों का आज 56-58 साल उम्र में ये कहाँ जाएगा और हम लोगों का बच्चा बीबी कहाँ सब ये सब जाएगा, हम लोग रोड पर आ जाएंगे। इसी कारण से अभी जो है हम लोग स्ट्राइक नोटिस दिए, डेप्यूटी CLC रायपुर ने उसे काउंसिलेशन के लिए बुलाया, हम लोगों ने उसमें मुद्दा रखा कि भैया जब तक CMD नहीं आएगा हम लोग कोई बात नहीं करेंगे, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि आप थोड़ा बात करिए, हम आश्वासन देते हैं अर्ली ऑल पॉसिबल सेप्टेम्बर का फर्स्ट वीक तक हम कुछ ना कुछ उनसे मीटिंग करवा देंगे। तो हम लोग उनसे बात किया, उन्होंने हम लोग उनसे वादा किया है, और सबसे रहा कि आज ये कंडीशन है कि भारतवर्ष के जितने भी हमारा फेरोस्कर निगम है, आज सभी वर्कर अपना झंडा छोड़ के, अपना कोई भी यूनियन का हो छोड़ के, आज पहाड़ी चट्टान के तरह हम लोग खड़े हैं। अगर कोई डिसइन्वेस्टमेंट हुआ, अगर कोई पार्टी खो गया, तो हम लोग के लाश के ऊपर से जाना पड़ेगा, ये हम लोग का कमिटमेंट है, ये हमारा चीफ मिनिस्टर का कमिटमेंट है, ये साहस है। FSNL के निजीकरण को लेकर तमाम लोगों से बातचीत हो गई, जो अलग अलग पूरे देश के 9 राज्यों से जो प्रतिनिधि आए हुए थे, जो FSNL के यूनियन के लोग आए हुए थे, उन्होंने अपनी सारी बातें रखी किस प्रकार से निजीकरण से इसको रोका जाएगा, उसके लिए क्या कुछ कदम उठाए जाएंगे। आपको क्या लगता है, क्या ये निजीकरण सही है? एक प्रॉफिट देने वाली जो प्राइवेट निगम है, एक प्रॉफिट देने वाली FSNL, इसको निजीकरण करना कितना सही कितना गलत, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद। No. All right.